मेरे इस निवास स्थान में आप दोनों का स्वागत है। आइए मेरे साथ, मैं आप दोनों को आपका कक्ष दिखाता हूँ। ओ चला ना श्री, मुझे शीघ्र इन वस्त्रों और आभूषणों को त्यागना है, बस अब और नहीं हो रहा मुझसे। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, अभी तो मेरी प्रिय भार्या अपनी सुंदरता से समस्त करवीरपुर को मोहित करेगी। काय झालं तुला, पीड़ा हो रही है? कमर में पीड़ा हो रही है? ओहो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक करके देता हूँ। कितना प्रेम है तुम दोनों में। वैसे मैं आप दोनों को एक बात बता दूं कि आप दोनों पर कोई बाधा नहीं है, आपको जो कक्ष चाहिए आप वहां रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। चले आइए। श्री, सत्य में कमर में पीड़ा हो रही है मेरी, इस रूप का भार उठा उठा कर थक गया हूं मैं। अब तुम शीघ्र अति शीघ्र यहाँ कोई कक्ष देखकर जिसमें मैं कम से कम रात्रि में आराम से सो सकूं। है ये कक्ष? मैं आ दूंगा। हो हो, इतना सुंदर कक्ष तो है श्री, इसमें इतना क्या सोच रहे हो? आओ और शीघ्र शीघ्र कहो कि हमें यही कक्ष चाहिए। राजकुमार आओ, चांगले है ना, चुन लिया हमने। हाँ चलिए। नहीं, अभी तो एक ही कक्ष देखा है, और कक्ष देखते हैं। चलिए दिखाता हूँ, आइए। क्या पक रहा है आज? भार्गवी, तुम्हें अपना दुख और अश्रु छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यदि मुझे नहीं भी बताओगे ना तो भी मैं जान लूंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस जन्माष्टमी के उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें कुमारवासु की असफलता अच्छी नहीं लगी, और ना ही उस वेंकटेश की सफलता। किंतु कदाचित श्री कृष्ण की इच्छा कुछ और ही थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पुत्री। कुमार वासु के मित्र ने मटकी फोड़ी तो मानो जैसे कुमार वासु ने ही फोड़ी ना। अब कुमार वासु का मित्र उनके जैसा ही हुआ ना। भार्गवी तू चिंता मत कर, हा? सब ठीक हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कुछ भी करके आपके मुख पे मुस्कान ले आ सकता है तो उस पर तो विश्वास कर ही सकते, क्योंकि ये विश्वास ही प्रेम है। भार्गवी नहीं आई, वासु का मित्र वासु जैसा नहीं है, कुछ तो विचित्र है उसमें। राजकुमार धन्यवाद, हम यहीं रहेंगे। ये कक्ष? ओ, ये तो सेवकों के लिए है वेंकटेश। ना यहाँ कोमल छैया है और ना ना अन्य विलास, कोई अन्य कक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर लेते? तो ये कक्ष मुझे अच्छा लगा, हम यहीं रहेंगे। काएगा तो मैं कभी इस कक्ष में नहीं रहूंगी। पहले वाला एक कक्ष अच्छा लगा था। कुमार वासु, आप मुझे वो पहले वाला एक कक्ष दे दीजिए ना। आप दोनों का चुनाव अत्यंत विपरीत है। वेंकटेश को ये साधारण कक्ष अच्छा लगा तो तुम्हें ये वाला। इन्हें तो साधारण से साधारण वस्तुएं ही पसंद आती हैं।
लेकिन तो मैं तो एक कन्या हूं ना, वो श्रृंगार करना, विलास, ये सब किस कन्या को नहीं भाता है। और ये जो देखा आपने हमारे मध्य अभी, ये ये तो हमारे मध्य होता ही रहता है। सही कह रही है, वो मुझे सभी साधारण वस्तुएं भाती हैं, मैं ऐसे ही साधारण कक्ष में रहना चाहता हूँ। मैं तो कदापि ऐसे नहीं रह सकती। देखिए, वैसे तो मैं आप दोनों के बीच में बोलने वाला कोई होता नहीं हूँ, किंतु फिर भी आप दोनों पति पत्नी हैं, आप दोनों को अलग अलग कक्ष में नहीं रहना चाहिए। हाँ, मेरी मानिए तो आप दोनों को एक ही कक्ष का चुनाव करना चाहिए। बरोबर, बरोबर नहीं बोलते, मैं तो रह लेती हूँ इनके बिना। ये जाते हैं ना कई दिनों तक दूसरे गांव में व्यापार के लिए, तब मैं अकेली अगला नारी बेचारी अकेली रहती हूँ घर पर। इसलिए मैंने इनसे कहा कि इस बार आप मुझे भी ले चलिए, किंतु इतनी लंबी यात्रा का अभ्यास नहीं है ना मुझे, तो कदाचित इसीलिए कमर में पीड़ा होगी। किंतु आप तो मेरी पीड़ा समझ पा रहे हैं ना, तो आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप हम दोनों को अलग अलग कक्ष दे दें तो। देंगे ना? उचित है, उचित है। वैसे भी आप जैसी सुंदर कन्या को सुंदर कक्ष ही शोभा देगा। और वेंकटेश को यदि ये सेवकों वाला कक्ष चाहिए तो वो ले सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार, हाँ, आपके बहुत बहुत आभार, आपने मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए इतना कुछ किया। मैं ये तो आगे था। आइए जाइए। वेंकटेश, क्या तुम्हें सत्य में यही विश्राम करना है? ओ राजकुमार, क्या क्या बात है, कोई समस्या? माना तुम्हें साधारण वस्तुएं अच्छी लगती हैं, किंतु किंतु ये कक्ष, यहां तो कुछ भी नहीं है, फिर तुमने ये क्यों चुना? बात ऐसी है राजकुमार, कि एक व्यक्ति है जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती है, और वही व्यक्ति इस समय दुखी है, और उसके दुखी होते हुए मैं यहाँ विलास का आनंद तो नहीं भोग सकता। कोई आपसे इतना प्रेम करता है, आप भी करते हो, वो दुखी रहे तो आप सुख नहीं भोग सकते राजकुमार, इसलिए ये कक्ष मेरे लिए पर्याप्त है, तुम्हें चिंता न करो। किंतु तुम्हारी पत्नी तो भारिया है, और उसने इतना अच्छा कक्ष चुना है, और ना वो दुखी है ना ही पीड़ा में, अंततः ऐसा कौन है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी भार्या से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है? क्या तुम जिससे प्रेम करते हो वो भार्या नहीं है?